नमस्कार, रेखा कुमार्स किचन में आपका स्वागत है। रिमझिम बारिश में बेसन से बनी हुई हर चीज़ खाना सभी को ही पसंद होती है, तो चलिए आज हम भी बेसन को मिलाकर एक ऐसा ही नाश्ता बनाते हैं और गर्मा गर्म सभी को परोसते हैं ताकि सभी बारिश का आनंद ले। बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप पोहा डाल देंगे। आप यहाँ पर मोटा या पतला कोई भी पोहा ले सकते हैं। हम इसमें पानी डालकर इसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे। पोहे को हमने 2 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल लिया है। तो अब हम इसमें 1 कप छाछ डाल देंगे। छाछ की बजाय आप यहाँ पर दही भी ले सकते हैं। 1/2 कप दही ले लीजिए और 1/2 कप इसमें आप पानी मिला लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि छाछ या दही आप जो भी ले रहे हैं वो ताज़ा ही होना चाहिए, यानी कि खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही या छाछ खट्टा है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, वरना नाश्ता खट्टा हो जाएगा। पोहे को छाछ में डालने के बाद अब हम इसे इसी तरीके से ढककर के करीब 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि पोहे अच्छे से फूल जाएंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप देखिए पोहे में हमने जो छाछ डाली थी वो पोहे ने अच्छे से सोख ली है और पोहे भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेते हैं और इसमें पोहे डाल देंगे। इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो मिक्सी जार में पीस करके हमने इसका इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसे एक बाउल में निकाल लेने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप बेसन मिला लेंगे। बारिश का मौसम है और बेसन की बनी हुई हर चीज इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है। मिला लेते हैं पहले इन्हें एक बार। तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक कच्चा आलू लिया है। आलू को कद्दूकस करके और मैंने पानी में डाल दिया था जिससे कि ये काला नहीं पड़े। तो आलू का सारा पानी इस तरीके से निचोड़कर हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर कुछ स्वीट कॉर्न लिए हैं, लगभग 1/4 कप। आप स्वीट कॉर्न की बजाय यहाँ पर मटर भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और मीठा नीम की कुछ पत्तियां जिसको इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने एक लाल मिर्च ली है, अगर आपके पास हो तो ठीक, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। सब्जी आप अपने पसंद से यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स की बजाय आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी जरूरत लगेगी उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे। तो सभी चीजों को मिक्स करके हमने इसका घोल तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह का घोल हमारा बना है। यहाँ पर मैंने लगभग 1/2 कप पानी और इसमें डाला है। पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। अगर पोहे आपके मोटे हैं तो इसमें थोड़ा और पानी लग सकता है, तो आपको बस इस तरह का घोल रखना है। अब हम गैस पर एक तड़का पैन रखेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे लगभग 1 चम्मच और 1 चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे। इसी में हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/2 छोटी चम्मच राई। राई और जीरा तड़कने लगे हैं तो इस तड़के को हम इस घोल में डाल देंगे और मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा डाल देंगे, यानी कि मीठा सोडा, और इसे मिला लेंगे। तो चलिए अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पर हमने एक पैन रखा है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेते हैं। तो अब हम इसमें से घोल लेकर और 1-1 चम्मच घोल इस पर डाल देंगे और इसे इस तरीके से फैला लेते हैं।
इसे एक जैसा शेप दे देंगे। और इसे ढक करके धीमी आंच पर पकने देंगे। आप चाहे तो इन्हें ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इस पे भी और फैला लेंगे। तो अब हम इसमें से एक चम्मच घोल लेकर और इस पर डाल देंगे। और ढककर कर इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे। और कुछ देर बाद आप देखिए ऊपर से इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं। और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई होने देंगे। तो अब हम इन्हें भी पलट लेते हैं। और लगभग 2 या 3 मिनट हुए हैं, तो अब इन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए दूसरी तरफ भी अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। तो आप देखिए दोनों ही तरफ से इनका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। तो बस अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें निकाल लेते हैं, वरना इनका कलर और डार्क हो जाएगा। अगर आप और भी क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इनका और भी डार्क कलर कर सकते हैं। तो लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए ये दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, यानी कि पक चुका है। पलट लेते हैं इन्हें भी। तो बस अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारा पोहे और बेसन से बना हुआ नाश्ता बनकर तैयार है। तो गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप टोमेटो केचप के साथ खाइए, ये खाने के स्वाद को और बढ़ा देगा। तो आप भी जल्दी से इस तरीके से नाश्ता बनाइए और सभी को खिलाइए, ये सभी को पसंद आएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।